नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु यादव। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कितने भी दावे करे कि बेटियां सुरक्षित हैं, लेकिन आए दिन बेटियों के साथ होने वाले हादसे सामने आते रहते हैं और ये हादसे विपक्ष को सरकार के खिलाफ हथियार भी मुहैया करवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर कोरोना काल में सरकार ने जमकर प्रशस्ति पत्र बटोरे हैं, लेकिन आज एक ऐसा मामला सामने आया है जो इन तमाम प्रशस्ति पत्रों पर सवाल उठाता है और योगी आदित्यनाथ से कहता है कि आप अपने आप को टटोल के देखिए, अपनी व्यवस्थाओं को टटोल कर देखिए, कहीं न कहीं खामियां जरूर मिलेंगी। दरअसल मामला प्रयागराज से सामने आया है, जहां एक प्राइवेट अस्पताल का अमानवीय चेहरा निकलकर सामने आया। यहां एक 3 साल की बच्ची को ऑपरेशन टेबल से इसलिए हटाया जाता है क्योंकि उसके पिता के पास ऑपरेशन के पैसे देने के लिए नहीं थे। हद तो ये हो जाती है कि बच्ची का पेट ऑपरेशन के लिए चीर दिया जाता है और बाद में बिना उस पर टांके लगाए खुले पेट के साथ बच्ची को ऑपरेशन टेबल से हटा दिया जाता है। मामला संज्ञान में आने के बाद से सनसनी मची हुई है। जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर ऐसी नौबत आन क्यों पड़ी। योगी सरकार जो कि रामराज का दावा करती है, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का दावा करती है, बेटियों को पढ़ाने बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करती है और उसी के राज में 3 साल की एक मासूम पटे पेट के साथ दम तोड़ देती है और सरकार की तरफ से दलील दी जाती है कि हम जांच कर रहे हैं। आखिर जांच तक नौबत पहुंचती क्यों है? दरअसल मामला प्रयागराज के करेली इलाके का है, जहां के ब्रह्मादीन की 3 साल की बेटी को पेट की कुछ बीमारी थी। उन्होंने प्राइवेट अस्पताल में बेटी को भर्ती करवाया था, जहां पर उसका ऑपरेशन होना था। ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर के डॉक्टर्स ने बेटी के पेट पर चीरा भी लगा दिया, लेकिन बाद में पता चला कि जिस पिता की ये बेटी है, उस पिता के पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं है, वो पैसे नहीं दे सकता और इसी के साथ अमानवीयता का खेल शुरू हो गया। पहले तो दबाव बनाया गया और बाद में चिरे हुए पेट के साथ मासूम को ऑपरेशन टेबल से हटा दिया गया, जिसके बाद पिता अपनी मासूम बेटी को फटे पेट के साथ लेकर अलग अलग अस्पतालों के चक्कर काटता रहा, लेकिन उसे इलाज नहीं मिला और आखिरकार बेटी ने दम तोड़ दिया। इस बेटी की मौत के बाद से प्रयागराज में हड़कंप का माहौल है। साथ ही प्रदेश स्तर पर बैठे बीजेपी के नेताओं, स्वास्थ्य मंत्री और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर आपके राज्य में ऐसा क्यों हो रहा है। उत्तर प्रदेश में आए दिन बेटियों की अस्मत लूटने के मामले सामने आते रहते हैं और आज ये जो मामला सामने आया है, ये कई सवाल उठा रहा है। मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जिलाधिकारी जांच कर रहे हैं, लेकिन जांच में निकल कर क्या सामने आएगा? अस्पताल को या तो सील कर दिया जाएगा या फिर वहां पर इलाज की सुविधाएं जो है वो भी बंद कर दी जाएंगी। लेकिन क्या इस तरीके के मामले रुक जाएंगे? नहीं रुकेंगे शायद, क्योंकि एक अस्पताल नहीं है, उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में ऐसे प्राइवेट अस्पताल हैं जहां पर इस तरीके का खेल खेला जाता है। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में भी कई बार इस तरीके की नौबत देखने को मिलती है। ऐसे में इस घटना से सबक लेते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार को कोई कड़ा एक्शन लेना चाहिए और कोई ऐसा कानून बनाना चाहिए ताकि ब्रह्मादीन जैसे गरीब पिता की कोई और मासूम मौत ना झेले। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।